हेलो 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 गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं रिसेंटली अभी सरोजनी गई थी, क्योंकि मैंने कभी वीडियो डाला था ट्राइंग चीपेस्ट मेकअप फ्रॉम सरोजनी। जिसने नहीं देखा है जल्दी से जाके देखो, आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता मैं सिर्फ मेकअप लेके वापसी आ गई हूँ, मैंने वहां से कपड़े भी खरीदे हैं जिसके लिए सरोजनी फेमस है। तो वहां पे विंटर कलेक्शन काफी अच्छा है हुआ था, तो मैंने काफी सारे कपड़े वहां से खरीदे थे। और मैं अभी रिसेंटली मनाली गई थी, तो जो जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करता उन्होंने देखा होगा कि मैंने मनाली में जितने भी कपड़े वेयर किए हैं वो सारे सरोजनी वाले कपड़े ही पहने थे। अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हो तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो, आईडी यहाँ पे मेंशन है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। तो मैंने सरोजनी से काफी सारे कपड़े बाय किए थे, और जितने भी कपड़े मैंने बाय किए ना, सारे ही 300 के अंडर है। कोई भी 300 से ऊपर का कपड़ा मैंने बाय नहीं किया था। तो वीडियो ज्यादा बिल्कुल भी लंबा नहीं करते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अपने कपड़े दिखाती हूँ, बट उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके जल्दी से फॉलो कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहेगा। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सरोजनी में जब भी आप लोग जाते हो ना, तो मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, सरोजनी में अगर आप लोग जा रहे हो तो प्लीज आगे आगे से शॉप को देख के मत जाइए। वहां पे जो ऐसे राउंड वाले रैक्स होते हैं या ऐसे बहुत सारे कपड़े ऐसे ढेर में इकट्ठे होते हैं, तो वहां पे आप लोग जरूर देखें, क्योंकि ऐसा होता है कि आप लोग वो ढेर देख के चले जाते हैं। बट उसमें अगर आप देखोगे तो काफी अच्छी चीज आपको मिल जाएगी, वो रैक्स में भी आप देखोगे। तो आपको एक एक शॉप पे जाके ना एक्सप्लोर करना पड़ेगा, दूर से आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो एक्सप्लोर करने के बाद ही आपको जो है कलेक्शन काफी अच्छी मिल सकती है, और बार्गेन स्किल्स आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी बार्गेनिंग आप करेंगे उतना सस्ता आपको कपड़ा वहां पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो मैंने वहां से लिया था, मैंने लिया है ये पिंक कलर का टॉप, और ये ऐसे फुल स्लीव्स है और ऐसे बलून स्लीव्स है इसमें। आगे से ये प्लेन है और पीछे से इसके इस टाइप से ये डिजाइन है बटन्स का, ये गोल्डन बटन्स इसमें लगाए हुए हैं और काफी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मुझे लगा। ये काफ़ी वॉर्म भी है और इसका जो फैब्रिक है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये जस्ट मैंने बाय किया था 250 रुपीज़ में, मुझे ये 250 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा लगा था तो इसलिए मैंने इसको बाय कर लिया। उन्होंने मुझे इसको आई थिंक 400 रुपीज़ में उन्होंने मुझे बोला था, बट मैंने बार्गिन करके ये 250 रुपीज़ में लिया था, और पहना हुआ काफ़ी स्टाइलिश और काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसा कि आपने वीडियो में साइड में आप देख ही रहे हैं। सो उसी पिंक टॉप के साथ मैंने उसी शॉप से बाय किया था ये श्रग, और ये भी पिंक कलर में है, और इसमें आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े ऐसे तीन बटन्स हैं, और तीनों ही अलग अलग कलर में है, ब्लैक, लाइट ग्रे एंड डार्क ग्रे। और ये श्रग मुझे काफ़ी पसंद आया था, और ये बिल्कुल ऐसे ना जो निटिंग फैब्रिक हो, निटिंग वाला वर्क होता है ना, वो है जैसे बुनाई वाला काम होता है वो है, और काफ़ी गर्म है ये। और ये भी मैंने 250 रुपीज़ में बाय किया था, मुझे ये दोनों पसंद आ गए थे और दोनों को मैंने मिला के 500 रुपीज़ में लिया था। और जब अगर आप भी ऐसे जा रहे हो ना, आप को एक या दो प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं, तो आप भैया से ऐसे बोल सकते हो कि भैया मुझे ये दोनों लेने हैं, मुझे इसका सही रेंज बताओ, तो वो और कम कर लेते हैं। तो मुझे दोनों पसंद आ गए थे तो इसलिए उन्होंने मुझे 250 में लगा दिए थे, अदरवाइज वो बिल्कुल भी नहीं लगा रहे थे। और ये पहना हुआ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप साइड में जैसे देख सकते हैं, और इसको मैंने मनाली में पहना था जब हम सिसु जा रहे थे, और मुझे इसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी थी, मुझे काफ़ी पसंद आया था ये। इसका फैब्रिक, इसका कलर, इसको पहनने के बाद जो एक वॉर्म्थ मिलती है ना, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी ये, तो आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट मैंने सरोजनी से जो बाय किया था वो ये स्कर्ट बाय किया था, और इस स्कर्ट का ना एक किस्सा हो गया था। किस्सा मतलब कि भैया बोल रहे थे कि 200 में देंगे क्योंकि सेल में थी, और मैं 150 बोल रही थी, मुझे लगा था कि इसमें भी बार्गेन हो जाएगा, बट वो बिल्कुल नहीं माने, और मैं और मेरी फ्रेंड आगे चले गए कि वो लोग मुझे पीछे से आवाज़ देंगे, बट उन्होंने पीछे से आवाज़ नहीं दी। और फिर मेरा ईगो भी था कि भाई नहीं, अब उन्होंने नहीं दी तो मैं पिट जाऊंगी, तो फिर उनके भाव बढ़ जाएंगे, तो मैं आगे चली गई। और आगे जाने के बाद ना मेरा मन स्कर्ट पे ही अटका हुआ था कि मुझे ये स्कर्ट चाहिए ही चाहिए, और ऐसा था कि अब मैं क्या करूं कि वापसी जाऊंगी तो वो सोचेंगे कि दोबारा लेने आ गई है। बट मेरी फ्रेंड ने बोला कि नहीं, आप जाके ले आओ भाई, आपको पसंद है तो ऐसा ना हो कि आगे जाके आपको ये चीज़ ना मिले। तो ऐसा हुआ भी, आगे जाके सेम चीज़ मुझे नहीं मिली, और सेम मिल रही थी तो हाई रेंज में मिल रही थी, तो मैं बैक जाके ये 200 रुपीज़ में ही लेके आई। और ये मेरा एक इतना अच्छा डिसीजन था ना वापस जाने का, क्योंकि मुझे उसके आगे इस पैटर्न की सेम स्कर्ट और इस प्राइस में नहीं मिल रही थी, सारे हाई प्राइस में मिल रही थी, और कोई भी कम करने को रेडी नहीं था बिल्कुल भी। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि सरोजनी में बार्गेन होती है बट कहीं कहीं पे नहीं होती है, तो मेरे को ये 200 रुपीज़ में मिली।
और अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो कर रहे हैं तो जब मनाली में फर्स्ट डे था तो मैंने इस स्कर्ट को वेयर किया था, और अगर नहीं फॉलो किया है तो जल्दी से जाओ और अभी जाके देखो, मैंने फर्स्ट डे ये वाली ही स्कर्ट वेयर की है जो मैंने 200 रुपीज में बाय की थी, और इसके नीचे मैंने वो डबल लेयर डबल शेड वाली स्टॉकिंग्स बाय की थी जो मैंने मीशो से बाय की थी। सरोजनी में भी मिल रही थी बट सेम 650 कुछ रेंज में मिल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मीशो से मंगाऊं, पता नहीं यहाँ का क्वालिटी कैसा होगा, इसलिए मैंने उसको मीशो से ऑर्डर किया। और ये मैंने सरोजनी से ली, और इस पे ना कुछ एक ब्रांड भी लिखा हुआ है, आई डोंट नो ये कौन सा ब्रांड है, गिंगहैम्बस ऐसे कुछ है। आप पढ़ पा रहे हो तो आप बता देना, मुझे नहीं पता है। तो इसके साथ मैंने पेयर अप करने के लिए वहां से, मतलब पेयर अप करने के लिए तो क्या, मैंने बाय किया था तो इसके साथ पेयर हो गया। मैंने वहां से बाय की थी ये व्हाइट कलर की, इसको क्या बोल सकते हैं, टर्टल व्हाइट पे फेस का मतलब कलर कितना वो लगता है, तो इसको भी नीचे कर लेती हूँ। तो मैंने ये व्हाइट कलर की टर्टल नेक तो नहीं बोल सकते बट हाई नेक मैंने इसको बाय किया था, और ये मैंने बाय की थी 200 रुपीज में। और इसको बाय करने का जो मेरा डिसीजन था ना, काफ़ी अच्छा था, क्योंकि काफ़ी गर्म है। अब मैं इसको अंदर से दिखाती हूँ, अंदर से ना ये इस टाइप से है, फ्लीस टाइप का है अंदर से और ऊपर से प्लेन है। काफ़ी गर्म थी ये पहनने के बाद, वहाँ का ना माइनस में रात को टेम्परेचर हो जाता है, और इसको पहन के मैं रात में बाहर गई थी और इसको पहनने के बाद मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी। काफ़ी अच्छी है ये, फुल स्लीव्स है इसकी, वाइट कलर तो प्रॉपर वाइट कलर तो नहीं है, थोड़ा सा ऑफ वाइट शेड है ये, और इस टाइप से इस पे ऐसे लाइनिंग वाला जो एक इनर बोलते हैं ना, जो हम ब्लेजर्स के नीचे इनर पहनते हैं, उस टाइप का है ये। और बट ये काफ़ी वार्म है, ये सेम चीज़ मीशो पे भी मिलती है बट मीशो पे इतनी वार्म नहीं मिलती, और आई थिंक इससे हाई रेट में मिलेगी, ये मुझे 200 रुपीज में मिली है। और आप पहनियो ही देख सकते हो इसका लुक कैसा है, ये बॉडी को हग कर रही है तो थोड़ा सा जो फिगर है वो इसमें रिवील होता है, बट आई डोंट माइंड सर्दियों में पहनने में। नेक्स्ट मैंने मीशो से बाय किया था ये पोंचो, और ये इतना अच्छा डिज़ाइनर स्टाइलिश सा पोंचो है ना, आप देख सकते हो इसमें ऐसे साइड में पूरे पूरे इसकी जो बाउंड्री है उस पर इस टाइप के फर लगा हुआ है, और अंदर का जो ये फैब्रिक है, ये जो स्टॉल्स होती है ना, वॉर्म स्टॉल्स, उस टाइप का फैब्रिक है। और अगर मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, इसमें ना ऐसे सेल्फ प्रिंट है यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे बना हुआ है, ये ऐसे यहाँ बना हुआ है, और यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा ऐसे रोज पैटर्न बना हुआ है लीव्स के साथ। आई डोंट नो आपको इसमें दिख रहा है या नहीं, बट ऐसे मैं देख रही हूँ तो मुझे दिख रहा है। और ये भी मैंने मनाली में फर्स्ट डे पहना था स्कर्ट और वाइट के साथ पेयर अप करके, और इसको पहनने के बाद भी मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी, सर्दी नहीं लगी थी, सॉरी गर्मी नहीं। और ये मुझे भैया ने 500 रुपीज का बोला था, और ये मुझे इतना पसंद आ रहा था बट 500 रुपीज बहुत कॉस्टली था, तो मैं 200 रुपीज बोल रही थी और वो 350 रुपीज बोल रहे थे। तो अगेन मैंने वही ट्रिक अपनाई किया कि मैं नहीं लूँगी, मैं अंदर जो वो शॉप थी काफ़ी बड़ी थी तो मैं अंदर शॉप में चली गई, और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं बाहर आऊँगी तो भैया बोलेंगे, तो मैं बाहर आई तो यस भैया ने बोला कि भाई आपको लेना है तो एक ही पीस है ये, मैं आपको 300 में दे दूँगा। तो मैंने कहा नहीं भैया मैं 200 में लूँगी, फिर उन्होंने बोला कि चलो 250 ना आपकी ना मेरी 250, तो मुझे इतना पसंद था तो मैंने ये 250 में ले लिया, क्योंकि मैं इसको छोड़ना नहीं चाह रही थी। और काफ़ी अच्छा हुआ है, पहना भी काफ़ी स्टाइलिश है, इसको आप वेस्टर्न के साथ, इंडियन के साथ, किसी के साथ भी पहनेंगे, ये हर चीज़ के साथ जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको बाय किया था। और पहना हुआ आप देख सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है। सो नेक्स्ट ना मुझे ना वहाँ पे ना काफ़ी सारी कैप्स भी दिख रही थी, और ना कैप्स मुझे चाहिए थी, मतलब ज़्यादा तो नहीं, मैंने एक कैप वहाँ से बाय की, और मैंने बाय की ये वाली कैप, मैं इसको पहन के दिखाती हूँ आपको, क्योंकि कितनी अच्छी कैप है ये, और ये बहुत ही वार्म कैप है, अंदर से जो इसका फैब्रिक है मैं अभी दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा है। और ये मैंने बाय की 150 रुपीज में, काफ़ी अच्छी है 150 रुपीज में, और पहनने के बाद ना आप लुक देख सकते हो कितना प्यारा लुक आ रहा है, जब ऐसे वो मूवीज में हम देखते हैं ना बर्फ में, जब हीरोइंस ऐसे ऐसे कैप पहन के डांस करती है, मुझे वो वाला फील आ रहा था इसमें। तो मैं दिखाती हूँ अंदर से कितनी वार्म है ये, इसका जो अंदर का फैब्रिक है ना, ये फैब्रिक है अंदर भी, इसमें अलग से एक वॉर्म फैब्रिक लगा हुआ है, दो लेयर्स है इसमें, एक पिंक लेयर एक वाइट लेयर, तो ये दो फैब्रिक्स की वजह से, और दोनों ही वॉर्म फैब्रिक है, दो फैब्रिक्स की वजह से काफ़ी वॉर्म कैप है ये। 150 रुपीज़ में मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और इसका कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने 150 रुपीज़ में इसको बाय किया था। सो सरोजनी में ना इस टाइप की जैकेट्स काफ़ी मिल रही थी, और इसमें काफ़ी सारे कलर्स थे, ये मीशो पे भी मिलती है, और अगर आपने
देखा होगा जो मैंने मीशो का हॉल डाला था जैकेट्स का, विंटर टॉप्स का, तो उसमें मैंने इस टाइप की दो जैकेट्स मंगाई थी, तो वो मुझे प्रॉपर फिट नहीं आई थी, उसकी स्लीव्स ना ऐसे ऊपर चढ़ रही थी, तो मैंने सोचा ये मुझे वहाँ पे फिट आएगी, तो और साइज़ भी उन्होंने बोला था कि ये एक्सेल साइज़ है, और मैं एक्सेल साइज़ देख के इसको ले आई थी, बट घर पे आके पहनने के बाद अगेन वही पंगा हुआ कि जो इसकी स्लीव्स है ना वो भी ऐसे ही सेम जैसे वो ऊपर जा रही थी, ये भी ऐसे ही ऊपर जा रही थी, तो आई थिंक जो मीशो पे बेचते हैं वही सरोजनी वाला माल है, वही माल है ये जो सरोजनी में मिल रहा था। फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, बट ये है कि मुझे मीशो पे काफ़ी महंगी मिली थी 350 की, और ये मुझे 200 रुपीज़ में मिली थी, तो या पहन तो मैं इसको नहीं पाऊंगी क्योंकि स्लीव्स इसकी आप ऐसे भी देख लो, मैंने वहाँ पे आई डोंट नो क्यों नहीं चेक किया ये ऐसे, तो स्लीव्स इसकी काफ़ी ऊंची आ रही है ये देखो, तो सर्दियों में अगर इस टाइप के स्लीव्स के आप पहनेंगे तो आई डोंट नो कैसी लगेगी, बट या मुझे इसकी स्लीव्स ऊंची के कारण मुझे ये बिल्कुल भी नहीं जची, बट या ये 200 रुपीज़ में है, अगर थोड़े से आप छोटे हो पतले हो मुझसे तो आप ये ज़रूर ले सकते हैं, आपको इसकी बस लेने से पहले ना ऐसे स्लीव्स मेजर करके ज़रूर देख लेना, अगर फुल आ रही है तो फुल में ही लेना अगर आपको फुल में चाहिए, और अगर आप ऐसे 3/4 पहन सकते हैं तो 3/4 में ले लेना। सो नेक्स्ट जो मैंने सरोजनी से बाय किया था, मैंने बाय की है ये कार्गो ट्राउजर्स, इसको जीन्स नहीं बोल सकते, ये ट्राउजर्स हैं, और इसमें ना बहुत सारे कलर्स थे बट मुझे ये बीच कलर में पसंद आ रही थी, और पहनने के बाद फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसमें इस टाइप से टैग भी लगा हुआ है, तो ये न्यू है ये इसमें ना क्योंकि मुझे साइजेस अवेलेबल हो रहे थे, मेरे को 32 चाहिए था तो 32 भी था, 20 भी था, 28 भी था, 30 भी था, 34 भी था, और इसमें कलर्स ऑप्शंस भी थे, तो ये ना न्यू वाला जो प्रोडक्ट होता है वो है, क्योंकि जहां तक मैंने सुना है सरोजनी में शायद सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं यूज़ किए हुए है, बट ये वाला जो है न्यू है क्योंकि इसमें टैग भी है और इसमें कलर ऑप्शंस भी थे, साइज ऑप्शंस भी थे, और इस टाइप से यहाँ पे इसमें दो पॉकेट्स है और लेंथ इसकी काफ़ी अच्छी है, और नीचे से ये ब्रॉड है जो इसकी मोरी है पैंट की, ये ब्रॉड है नैरो नहीं है, तो इसीलिए ये कार्गो है, और ये मैंने बाय की है 250 रुपीज़ में, और इसमें कोई बार्गेन नहीं हुआ, कोई उन लोगों ने मुझे डिस्काउंट नहीं दिया, 250 बोला था और 250 में ही मुझे ये मिली है, क्योंकि ये फ्रेश प्रोडक्ट है, कोई डिस्काउंट वाला या ऐसे सेकेंड यूज प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए ये मुझे 250 में ही मिला है। उसके बाद मैंने वहाँ से बाय की है ये वाला टॉप ब्लू कलर का, और ये भी मैंने मनाली में पहना है, और जो इस टाइप के जो फैब्रिक वाले इस टाइप के निटिंग वाले वो जो टॉप्स होते हैं ना ये काफ़ी गर्म होते हैं, मतलब काफ़ी ही गर्म होते हैं ये, काफ़ी इसमें ना वॉर्म आप पहनने के बाद काफ़ी इसमें आप सिर्फ एक वार्मर पहन के इसको पहन लेंगे ना तो काफ़ी वार्मनेस देगा ये आपको, काफ़ी गर्म लगेगा, और फुल स्लीव्स है और पूरे ही उस पर ना इस टाइप से ये डिजाइनिंग है आप देख सकते हो, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, और ये मैंने बाय किया था 200 रुपीज़ में, और मुझे ये काफ़ी अच्छी डील लगी क्योंकि बहुत ही गर्म है ये और पूरा ऐसे यहाँ तक कवर करता है नेक को, तो कहीं से ठंड लगने का भी कोई वो नहीं है कि कहीं पे ऐसे डीप नेक होगा तो थोड़ा हवा जाएगी, तो ये पूरा आपके नेक को कवर कर रहा है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये, काफ़ी अच्छे प्राइजेज में मुझे इस बार जो है कपड़े मिले हैं, बट या एक्सप्लोर बहुत करना पड़ता है, बहुत ढूंढना पड़ता है, ढूंढोगे तब जाके आपको मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट मैंने जो सरोजनी से बाय किया था ये एक और इनर, जैसा मैंने वाइट बाय किया था वैसा ही ये है, ये बीच कलर में है बट इसमें थोड़ा डिफरेंस है, जैसा जो वाइट था वो अंदर से वॉर्म था, ये अंदर से वैसा नहीं है, ये जैसा बाहर से है वैसा ही अंदर से है, बट या ये भी काफ़ी अच्छा है, ये मैंने इसलिए बाय किया है क्योंकि ओवर कोट या जैकेट्स के अंदर इसको बाय करें तो काफ़ी इसको पहने तो काफ़ी अच्छा लगता है, और फुल स्लीव्स है ये, और ये वाले ना कुछ इस टाइप के ना ये ना काफ़ी स्ट्रेच हो जाते हैं इस टाइप से, तो ये जो आपको एक्चुअल साइज दिखेगा उससे भी डबल साइज के बंदे को ये आ सकते हैं, तो इसके साइज पे कभी भी मत जाना, और ये ना इतना स्ट्रेच हो जाते हैं कि आपकी बॉडी को बिल्कुल हग करते हैं तो आपकी बॉडी का शेप दिखता है, बट या ये ब्लेजर्स या कोट्स के ऊपर कोट्स के अंडर डालने के लिए है तो वो आपके ब्लेजर वो आपकी बॉडी के शेप को हाइड कर लेंगे, और ये मैंने बाय किया था 200 रुपीज में, सॉरी नहीं ये मैंने 150 रुपीज में बाय किया है, 200 में नहीं ये 150 रुपीज में मैंने बाय किया है।
सो आज की लास्ट चीज जो मैंने सरोजनी से बाय की और जो मेरी मोस्ट फेवरेट है, जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई और जो अभी तक की सबसे हाईएस्ट रेंज की है जो मैंने वहां से बाय की है, मैंने बाय की है वहां से ये पफर जैकेट। बहुत ही प्यारी सी ये पफर जैकेट है और इसमें इस टाइप के ये टिच बटन्स हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस टाइप से टिच बटन है और साइड में ना ये ऐसे बो, मतलब एक पैटर्न दिया हुआ है कि ये बो बनी हुई है। ये भी ये इस टाइप का पैटर्न है और ये राउंड नेक में है, कॉलर नहीं है इसमें, हुडी नहीं है और फुल स्लीव है। और ना ये पहनने के बाद ना यहाँ से ना बड़ा शोल्डर पे से बहुत अच्छा सा लुक क्रिएट करती है, जो नॉर्मल जैकेट्स मुझे नहीं दिखती करती है। पहना हुआ आप देख सकते हैं कि किस टाइप का लुक क्रिएट करता है। और इसको भी मैंने मनाली में पहना है और ये है 300 रुपीस की। और इतनी गर्म है ना ये, इतनी मोटी जैकेट है। इसमें अंदर ये वाला दूसरा वाला एक फैब्रिक है जो जैकेट्स के अंदर होता है, और उसके बाद ना इसमें अंदर पता नहीं क्या तो भरा हुआ है क्या नहीं, जो पफर जैकेट्स होती है बड़ी मोटी होती है, तो ये पफर जैकेट है, काफ़ी अच्छी है। दोनों साइड्स में पॉकेट्स भी दी हुई है और इसमें से मुझे ये निकला, ये मैंने मनाली में पहनी थी तो तब मैंने इसमें डाला था, तो ये मुझे इसमें से अब मिला है और मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी ये। और इसमें जो नीचे की साइड ये है, ये इसमें इलास्टिक दिया हुआ है तो आप इसको इजीली स्ट्रेच करके भी बंद कर सकते हैं अगर नहीं हो तो, बट बाकी स्ट्रेच करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये मेरे साइज़ की है। और इस पर ब्रांड जो लिखा हुआ है टोंगजियाजी, पता नहीं कौन सा ब्रांड है, और ये आई थिंक ब्रांड का जो लॉन्च टाइम होगा ये वो है 1999, और ये डबल एक्सल साइज में था, बट आई डोंट थिंक ये डबल एक्सल साइज है क्योंकि ये मुझे फिट आ रहा है, मैं लार्ज या मीडियम साइज पहनती हूँ। सो या गाइज, ये थे जो कपड़े मैंने सरोजनी से बाय किए थे। और अगर आप भी सरोजनी जा रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी, सरोजनी जा रहे हो तो प्लीज़ आप एक्सप्लोर करिए सारी शॉप्स को, दूर से देख के क्रॉस मत कर जाइए कि नहीं मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। आप वहाँ पे खड़े होइए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, ढूंढिए, जब तक ढूंढेंगे नहीं तब तक नहीं मिलेगी। और अगर कोई चीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसको बार्गेन करने की ज़रूर कोशिश करिएगा, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट करके प्राइस बताते हैं। अगर आप अच्छे से बार्गेन करेंगे तो बहुत अच्छे प्राइस में आपको कपड़े जो है मिल जाएंगे। सो या गाइज, यहीं तक थी मेरी वीडियो। अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।